Frage von Kollege Wald. Mein Name ist Musa Hasim. Kongress Party se hoon, umidwar. Aur isi mahalle ka, yani Chhatragatti ka voter se hoon. Assalamualaikum. Main Mohammad Ashraf Ali, CPI, Communist Party of India se Chhatragatti umidwar. Main bhi jo hai Charana aur bus stand mein Chhatragatti ka hi voter hoon. सिटीजन्स एंड वोटर्स ऑफ पत्रकट्टी, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। ये बात पहले मैं सबके सामने बात करता हूँ कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पब्लिक जो होती है वो मकानदार होती है, सरकार जो होती है वो किराएदार होती है। ये सारी ताकत सारी कुवत जो वो वोटर्स के पास होती है, सिटीजन्स के पास होती है, और सिटीजन्स की जरूरत के लिहाज से, इनकी हालात के लिहाज से ये अपने अपने जरूरत के अपने नुमाइंदों को पेश करते हैं और नुमाइंदे अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 9 इलेक्शन यहाँ पर जो एमएलए एमपी के हुए हैं और काउंसलर्स के, उसमें वन सिटी साउथ जोन में इलेक्शन ऑफिसर के हिस्से से काम करे और रिटायर हो चुके हैं, वो अपने ख्याल आते 2-3 मिनट में आपके सामने लिखेंगे। और मुझे मैं भी शिकार के इलाज करवा के लिए मैं मजबूर होकर भी आगे चल मामा पर ये आज भी हमारा एक जो बुखार दिखा है वो इलेक्शन का बुखार है और हमें इस इलेक्शन में जो म्यूनिसिपल वार्ड के जो मेंबर्स चुनना है तो पहले देख लीजिए कि पंडिया के अंदर वार्ड मेंबर का काम होता क्या है, पंडिया है क्या। तो पंडिया एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मिनी गवर्नमेंट होती है, यानी इस पंडिया के अंदर सारे माइक्रोजात होते हैं जो हुकूमत के पास होते हैं। मेरी उच्च मुराद है कि माइक्रो में साइज भी हमारे पास है, माइक्रो में पुलिस भी बंडिया में है, माइक्रो में PW भी हमारे पास है, तमाम माइक्रो में जाता बड़ा फायदा बंडिया है, यहाँ पर पूरे काम होते हैं। तो ये बड़ा बच्ची ऑफिस है तो हर शहरी को पैदा से लेकर मरने तक पंजाब के साथ चालू होता है, मरे बात की व्यवस्था सर्टिफिकेट बंदा से जमा करता, पैदा होते भी सर्टिफिकेट बंदा से। तो एक अहम ऑफिस है जो पब्लिक फौरी पता चलता है कि सब रोडों में जो पानी बहता है और प्ले ग्राउंड मसायल, ये जो कुछ मसायल हैं और अब तक बरसों से ये हम म्यूनसिपाली से लेके ग्रेटर हैदराबाद हो गए लेकिन मसायल बढ़ते गए, हल नहीं होते। तो इसकी जिम्मेदार कौन है, पब्लिक है, बल्दिया है या इलेक्टेड नुमाइंदे? तो मैं मुझे सबसे ख्वाहिश करूंगा कि हमारे मसायल वक्त के साथ बढ़ रहे हैं और मसायल बढ़ने के कौन जिम्मेदार है इसका अपना क्या है। हमारे भाई साहब जो रोड पहला रोड के ताल्लुक से हैं, रोड के ताल्लुक से जो बात बताए हैं इसमें पहली जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है, जो नाकिस मटेरियल से रोड तैयार की जाती है। दूसरी चीज आवाम की जिम्मेदारी है कि जो रोड्स का काम होता है उसको टेक केयर आवाम भी करना चाहिए, प्रॉपर ड्यूरिंग, प्रॉपर मटेरियल के लिए प्रॉपर ड्यूरिंग भी जरूरी है और आवाम जो चोरी पीरियड में है, जैसा एक मेरा मकान बन रहा है, किसी पर्सन का मकान बन रहा है, उसको कैसा टेक केयर करते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं, उसके ऊपर फिरते नहीं, तो जो क्वालिटी देता हूं, सर्विस देता हूं, कह सकता हूं कि मैं 30 साल का कंट्रैक्टर हूं, बिल्कुल क्लास टू कंट्रैक्टर हूं। तो हमारे पास जो है बिहार का सीवरेज सिस्टम है, वो सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा है, शायद अभी
अभी 50 साल चल सकता हो सिस्टम, ताकि उसको फाइंड आउट करे उस सिस्टम में हम हमारे जो सीवरेज है उसमें सीवरेज है एजेंट स्टे वाटर ड्रेन उसको मिला है। अगर मौजूदा हालात में जो इंतिया के पीरियड में सीवरेज सिस्टम भी बल्दिया के साथ था, एजेंट ड्रेन भी बल्दिया के साथ था, अब क्या किए वहां बोर्ड बनाए सीवरेज, सीवरेज बोर्ड बना के जो नए लेना पास डालना शुरू करे, तो नए लेना जो है लेवल्स में नहीं है। अगर लेवल्स में होता तो ये प्रॉब्लम जो रोड के ऊपर पानी भरने का वो प्रॉब्लम नहीं रहता। और दूसरी चीज हमारे पास जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करके पॉपुलेशन के हिसाब से डायामीटर जो होता है सीवरेज का पाइप का डायामीटर जो होता है पॉपुलेशन के हिसाब से इंजीनियरिंग मेथड के हिसाब से अगर डाले तो वो भी काम कर सकता है। यहाँ पर जो है इंजीनियर की बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी चीज वार्ड मेंबर की सबसे बड़ी गलती वार्ड मेंबर की, उसको मालूम नहीं रहते, उसको कोई एक पैसे की मालूम नहीं रहते, बस उसको इतना ही मालूम होता है कमीशन कितना। तो कमीशन में हम परेशान है, आवाम कमीशन में परेशान है, 2%, 3%, 4%, 5% कमीशन में परेशान है, क्योंकि मैं उन हालात से गुजर चुका हूं। मैं 30 साल कॉन्ट्रैक्टर हूं बल्दिया में, आरएनबी में मेरा रजिस्ट्रेशन था, मैं रोक के बल्दिया इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो लिहाजा आवाम को अगर अच्छा माहौल, अच्छा सीवरेज सिस्टम, अच्छी रोड, अच्छे बिल्डिंग्स, अच्छे पार्क चाहिए, तो एक काबिल तरीन आदमी को आवाम को मैं आवाम से अपील करता हूं कि आप अपने ये अच्छा जो वर्क कर सकता है, जो तजुर्बेकार है उसको लाइए, क्योंकि दूसरे भी लोग भूल तजुर्बेगा। अगर मैं अपने अपनी अच्छा सफाई पेश करता हूँ, मैं 32 ईयर से कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जो गवर्नमेंट में जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो गई, क्योंकि उनको जब ये मालूम है किसके घर में कितने और तो किसके घर में कितने प्रॉब्लम है वो मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज अगर रोड के बारे में है तो पहले जो है जो एरिया में उन्होंने रोड डालना चाहिए, वो एरिया के जो है मेन मेन जो अगर लोग हैं महल में उनको बड़े लोगों को बुलाना चाहिए, जो एक्टिव लोग हैं उनको बुलाना चाहिए। जिस वक्त जैसा इलेक्शन होता है वोट के लिए जैसे हर गली के लीडर को बुलाया जाता है, उसी तरीके से बुला के जो है फर्स्ट जैसा ड्रेनेज का मसला बता रहे हैं आप, तो फर्स्ट जो है वहां पर ड्रेनेज लाइन जो है आपको 4 इंच की होना चाहिए या 6 इंच की होना चाहिए या 12 इंच की होना चाहिए। वहां से जो है वो एरिया में जो छोटे छोटे मसाइल है जैसा राशन कार्ड है, वोटर आई डी है, और अपने साहब बोले बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक सभी आपके जिस तरह काटना पड़ता है, आप हम जाके मतलब कर ले सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी डेली वेजेस में जो रहता है उसको 20 रुपये भी खर्चा करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, 200 रुपये कमा लेना है, तो उसके लिए जो कर सकते हैं उसको नहीं पाना कहा तो बहुत बुरी हालत है। जैसा मेरे घर
काम साथ में होगा वीडियो भी है अच्छी रोड को जोड़ के रोड बना कमीशन भी सवाल किससे करेंगे ऑपरेटर से करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा बात करेंगे बंदा व्यक्ति हो जाएगा आप उनसे जो है कुछ सवाल करने तो एमसीएच के लिए है गवर्नमेंट बॉडी उसका ख्याल रखना ठीक है पॉलिटिशन आते हैं जाते हैं सब होते हैं मगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय सालों साल वो किसी पर बैठा रहे तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी किसी एरिया में रहते हैं हमारे एरिया में भी प्रॉब्लम होते हैं तरफ लीडर आते हैं जाते हैं तो वो भी थोड़ा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए राहत समुद्रा बताएं कि एरिया जब रोड पड़ी है ट्रेडिंग वगैरह भाई जब अगर टाइम देते हैं मेरे घर के पास जो रोड पड़ी है दो महीने का कंस्ट्रक्शन हुआ यानी धीरे धीरे काम चलता है फिर एकदम इमीडिएटली ये हुआ कि इस बार पदयात्रा होने वाली थी रात को रात रोड पड़ी तो फ्रस्ट्रेशन इंसान को खाता है अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या ऑल्टरनेटिव रूट फाइस नहीं है बिल्कुल एक ही रास्ता है दिल्ली का एक ही तरफ से आना है जाना है अगर इतना टाइम लेंगे फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है नेचुरली जो अपोज होते हैं बहुत गुस्से में आती है नाराज होती है तो प्लानिंग जरूरी है कि हमको कब करनी है कैसी करनी है किस हिसाब से करनी है और जैसे अनुभव बताया कि फर्स्ट ऑल डिपार्टमेंट्स को पहले बुला रहे हैं भाई हम यहाँ पर एक भी रोड आ रहे हैं जितना अंडरग्राउंड रोड ड्रेनेज वर्क है केबल लाइनिंग है हर चीज को पहले कंप्लीट करके रोड डाल के उसके ऊपर डेट डाल के ये जरूरी है कि जब हम रोड डालें डेट ऑफ लाइन उसकी वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्टर क्या देता है 5 साल 4 साल 6 साल अगर उससे पहले खराब होती है मैच होगी तो बात मगर अगर मेटेरियल की वजह से इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की वजह से होती है तो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होना कि फिर से रोड उसको बता क्योंकि गारंटी कुछ नहीं है 6 महीने के अंदर रोड पड़ती है फिर 2 महीने में पड़ती है फिर 3 महीने में पड़ती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम करप्शन को ऑल लेवल से रोके तमाम कैंडिडेट से सवाल है शहर में 65 साल से पुराने शहर में एक भी सुपर हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बना इसकी वजह क्या है और शहर में पुराने शहर में 33 मुकाम से आरटीसी सर्विस बर्खास्त कर दी गई लाखों तुलबा और तालाबाद को ऑटो की सवारी के लिए मजबूर कर दिया गया इसका कौन जिम्मेदार है शहर में कचरा जलाया जा रहा है जिससे जो है पोल्यूशन जो है फैल रहा और गुर्दों में जो है दो कमरा अपराध जिसको मैं हैदराबाद में जो है बीमार है गुर्दों की बीमारी का इसका कौन जिम्मेदार है विनायचारी बागे साहब शहर में रविपुरा हॉस्पिटल है आप देखे वो बीमार है 30 साल से बीमार है उसके वजह से मैं दरखास्त दिया आपके डिप्टी सीएम साहब से जब वो सिलेक्ट